हेलो बच्चों, बच्चों आज हम रु की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों रु की मात्रा जो होती है वह इस तरह से होती है। बच्चों यह रु की मात्रा है। किसकी मात्रा है? रु की मात्रा। बच्चों रु की मात्रा जो होती है हमेशा वह अक्षर के नीचे लगती है। कहाँ लगती है बच्चों? अक्षर के नीचे लगती है। ऐसे ही बच्चों आपके आज के वर्कशीट में क्या दिया गया है चलो हम देखते हैं। इसमें प्रश्न है बच्चों, रेखांकित वर्ड में रु की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम लिखिए। बच्चों आपके वर्कशीट में चित्र दिया गया है और उसके अक्षर भी दिए गए हैं। आपको उस अक्षर पर, किसी एक अक्षर पर बच्चों रेखा खींची गई होगी, मतलब लाइन खींची गई होगी। आपको उस अक्षर पर रु की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक चित्र है, इसमें अक्षर दिया है क, स और क। इसमें बच्चों लाइन कहाँ खींची गई है? किस अक्षर पर? क पर खींची गई है। किस पर? क पर। तो हमें बच्चों रु की मात्रा किस पर लगानी है? क पर। क पर जब हम रु की मात्रा लगाए तो क्या बना बच्चों? कृषक। क्या बना? कृषक। ऐसे ही बच्चों आपको सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आप लोग को? हम फिर मिलेंगे। बाय।